सुन, मेरे काम करो, ये बैग बहुत एहतियात से कहीं रख दो। और बहुत एहतियात की जरूरत है, मैं 3-4 दिन में ले जाऊंगा। जब्बार अभी अभी डार्क ब्लू कलर का हैंडी बैग लेकर स्नूकर क्लब पहुंचा है। तुमने उसे खुद देखा है? वो अभी अंदर गया तो सर मैं आपको फोन करने आया हूँ। क्यों, तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है? मेरा मोबाइल स्लीप हो गया था सर, बंद हो गया। वो बैग कैसा है? मीडियम साइज है और हैंडी है सर। और कोई निशानी बताओ। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल वही बैग हो सकता है। मेरी बात गौर से सुनो, उसका पीछा करो। वो बैग लेकर कहाँ जाता है? जैसे किसी खास बात का पता चले मुझे फौरन इत्तला करो। जाओ, जल्दी करो। ओके सर। जब मैं आपको फोन करके वापिस स्नूकर क्लब पहुंचा तो ना वह जब्बार था ना उसकी गाड़ी पहुंची थी सर। क्या मांगते हो, इतनी जल्दी वो कैसे जा सकता है? मैं सच कह रहा हूं सर। सर मुमकिन है कि वो वहां वो बैग रखने आया हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतना कीमती बैग वो वहां कैसे रख सकता है? तो सर वो फिर बैग लेकर अंदर क्यों गया था? वो तो इसलिए कि वो बैग को गाड़ी में छोड़ा नहीं चाहता होगा। मुमकिन है उसको किसी की तलाश हो। तुम जाओ उसका पता करो, उसी जगह जाओ जहां आलू से मिला करता था। ठीक है सर। हेलो हेलो जी, आप नूर बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं महवेश। मैं सुबह से आपका नंबर तलाश कर रही हूँ। फिर आपको कहाँ से मिला? अली की डायरी से। वो अपनी डायरी यहीं छोड़ गया था। तो वो खुद कहाँ है अभी? आपको नहीं पता? उसे तो कल रात पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। पुलिस? मुझे कैसे पता चलता? मुझे तो आप बता रही हैं। लेकिन वो इंस्पेक्टर तो कह रहा था कि हमारे घर का पता उसे नूर ने दिया है। कौन सा इंस्पेक्टर? उसने अपना नाम बताया था? नहीं, नाम तो नहीं बताया था। हाँ, अली उसको जमाल भाई कह के मुखातिब कर रहा था, तो उसने अली को डांट दिया था कि मुझे इंस्पेक्टर कहो। अच्छा, तो वो जमाल था। मैंने तो आपको अली की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। आप प्लीज पता करें ना कि वो कहाँ है, कहाँ ले गए वो लोग उसे। ठीक है, मैं पता करती हूँ, आप फिक्र ना करें। आप ऐसा करें, मुझे 1 घंटे तक फोन करें, ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके। क्या प्रोग्रेस है? फिलहाल तो नील है, वो किसी हाल में मुंह नहीं खोल रहा है। क्या ट्रीटमेंट दिया सर? फिलहाल तो कैजुअल रखा हुआ है, लेकिन अब मैं बॉइल्ड वाटर टेस्ट करने वाला हूं। आए मेरे साथ। खोलो, मैं हूं जमाल अली। क्यों अपनी जान के दुश्मन मिल जाता हूं? अच्छी तरह बता दो कहां रखा है वो बैग। देखो, अभी ये मामला मेरे अख्तियार से बाहर होता जा रहा है। ऊपर से ऑर्डर आ गए कि तुम्हें कोई रियायत ना दी जाए और वो बैग हर कीमत पे बरामद कराया जाए।
अली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। हम सब अपनी ड्यूटी की वजह से मशगूल हैं। हाँ, तुम अपनी मदद कर सकते हो, सिर्फ तुम। देखो, अब तक मेरी वजह से ये लोग तुम पे इतनी ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे, लेकिन मैं इनको ज्यादा देर रोक भी नहीं सकूंगा। मैं तुमको एक मौका और दे रहा हूं, बोलो ली प्लीज, प्लीज अली बोलो, बोलो। तुम्हें तुम्हें अपने मरे भाई भाभी का वास्ता है, बोलो, अपने वालदेन के लिए बोलो अली, ये बोलो यार प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको शायद पता नहीं है कि हमें उगलवाना आता है। ठीक है ब्रह्म साहब, देख लीजिए आप। से कोई काम नहीं, बल्कि मुझे उनका काम करना है। मैं पूछ सकती हूँ कि कैसा काम? दरअसल वो एक गहरे नीले रंग का बैग है उनका यहाँ। नीला बैग? वो तो अली अपने साथ ले गए थे और वापस नहीं लाए। नहीं नहीं, वो बैग नहीं, बल्कि उस जैसा एक दूसरा बैग है यहाँ। दूसरा तो कोई नहीं है, वही एक था बस। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका सामान जरा देख लूं। मैं आपको उनका सामान कैसे दिखा सकती हूँ? वो दरअसल अभी बहुत जरूरी है, आपको तो पता है ना कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस? लेकिन आपको किसने बताइएगा? दरअसल उन्होंने ही मुझे खुद बताया था कि पुलिस उन्हें किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। कब? कब? कैसे? कल रात तो वो जी, कल रात को जब वो वापस आए उसी वक्त। देखिए भाभी, फिर आप मुझे उनका सामान चेक करने दें, बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है वो किसी बड़े प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। आप सोचे नहीं प्लीज। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको उनका सामान दिखा देती हूँ, लेकिन उनके सामान में कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। वो मैं देख लूंगा। आइए। Who cares? I'm sorry, Vijay. Dear Obi. क्या देख रही हो ऐसे? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछने आई हूं। अली कहां है? वो इन्वेस्टिगेशन सेल वालों की कस्टडी में। तुमने उसे क्यों गिरफ्तार किया जबकि तुम्हें पता है कि वो? मुझे पता है कि वो बेकसूर है, काफिर नहीं है वो, लेकिन मैं तो गिरफ्तार नहीं किया ना उसे, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिले थे।
तुमने खुद उसको गिरफ्तार किया, बल्कि उसको ये भी इंप्रेशन दिया कि मैंने तुम्हारी मदद की है। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा था कि तुम्हारा पता मुझे नूर से मिला है, दैट्स ऑल, और ये सच भी है। अब उसकी हालत कैसी है? हालत क्या मतलब है हालत का? पूछगछ हो रही है उससे बस। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की पूछगछ को। मैं उसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। तुम नहीं मिल सकती, बल्कि कोई भी नहीं मिल सकता। क्या मतलब है? क्यों? ऑर्डर नहीं। अच्छा, तो फिर परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? एसएसपी साहब से। ठीक है, फिर मैं एसएसपी साहब से परमिशन लेकर ही आऊंगी आपके पास, इंस्पेक्टर जमाल। एसएसपी साहब से बात करवाऊंगी। अरे नहीं यार, आज मेरा तो मूड नहीं बन रहा गेम खेलने। ऐसे करो यार, तुम लोग खेल लो आज, ठीक है? खेलो। बोलो। दावल, हाँ तुम्हारा माल पहुंच चुका है मेरे पास। सेठ, तुम्हें मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, वो खबर सच्ची है, वो पुलिस के पास ही है। पुलिस उसे तब ले गई जब वो मुझे माल दे चुका था। सेठ सेठ, ये तुम्हारा एडिक नहीं कि माल मेरे पास कैसे पहुंचा। अरे सेठ, वो मरकर भी जिंदा हो जाएगा ना, तो ये नहीं बताएगा कि माल उसने किसको दिया। यार छोड़ो, ये बताओ कि डिलीवरी कब लोगे? हाँ ना ना, इतनी कच्ची गोलियां मैंने नहीं खेली। इस हाथ देता हूं, इस हाथ लेता हूं, और वो भी असल को, हाँ चमचे को नहीं। ठीक, परसों पहुंचो। ठीक है, परसों से। पागल, परसों तो मैं हजारों मील दूर होऊंगा। सेहत के लिए बहुत खराब चीज होती है। तुम्हारा माल पहुंच गया मेरे पास, ये बताओ कैश तैयार है ना? बस ठीक है, कल आ जाओ 10 बजे उसी पुरानी जगह पे। लेकिन एक बार ख्याल रखना, अकेले आना, होशियारी दिखाने की कोशिश ना करना। पाउडर, और इन हालात में उन्हें मजीद परेशान करना मुनासिब नहीं। तो फिर क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल।